आज हमारा मजमून है माँ बाप के साथ सलूक और अताते वालदैन। ये दोनों उन्वान है बेटा, इनमें से कोई भी उन्वान आता है तो आपने यही मजमून लिखना होगा। मतलब उनका एक ही है, यानी माँ बाप के साथ सलूक किस तरह का होना चाहिए या हमें वालदैन की अताअत किस तरीके से करनी चाहिए। पहले आपने इसमें शेर लिखना है कि माँ बाप सी नेमत कोई दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो जहां खुल्दे बरी है। अब खुल्दे बरी कहते हैं जन्नत में आला मकाम, यानी उसके लिए दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं है। उसको ये नेमत अगर दुनिया में हासिल है तो वो उनकी खिदमत करके जन्नत को पा सकता है। अतात के लफ्जी मानी बंदगी और फरमा बरदारी के माने जाते हैं, यानी हुक्म मानना अपने वालदैन का। परवरदिगारे आलम की तालीमात में मखलूक इंसानी को तमाम मखलूकात पर बरतरी हासिल है और ये फजीलत बिल्कुल फितरी है, यानी कुदरती एक अमल है। बरतरी होता है फौकियत हासिल होना, बड़ाई हासिल होना मखलूक इंसानी यानी इंसानों को। इंसान अपने वजूद में सबसे ज्यादा जिन का ममनून है, यानी कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो सबसे ज्यादा जिनका ममनून शुक्रगुजार है वो शख्सियात हैं जो उसकी तखलीक की वजह बने, यानी उसको पैदा करने की वजह बने, जो इस दुनिया में माँ बाप कहलाते हैं। ये बेटा आपने फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसकी हमेशा कोशिश करें क्योंकि इसमें हमने एक तारुफ बयान किया होता है। आप इसको खुद से कभी भी नहीं लिखें, ठीक है? अशेर है वो लाजमी लिखें, उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको आप लाजमी लिखें वही, क्योंकि उसमें अगर मीनिंग बताने होते हैं लुगवी मतलब वो बताया जाता है, इस्तलाही मफहूम वो बताया जाता है, तो आपने उसको लाजमी लिखना होता है। उसके बाद है वालदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बल्कि बेबदल नेमत है, यानी हम इसको ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफा है मिला है इसको हम बदल नहीं सकते। वालदैन के औलाद पर इस कदर एहसानात होते हैं कि इंसान शबो रोज वालदैन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, यानी सिर्फ अपने वालदैन की खिदमत के लिए अपने आप को मखसूस कर दे, फिर भी उनके गिरां कदर यानी उनके जो आला बेश कीमत एहसानात हैं उनका हक अदा नहीं कर सकता। वालदैन खुद भूखे रहकर भी कोशिश करते हैं कि औलाद पेट भर कर खा ले, वो अपने आराम की परवाह नहीं करते मगर उन्हें तकलीफ नहीं होने देते। वो औलाद के आराम राहत के लिए दिन का चैन रात का आराम कुर्बान कर देते हैं। इसलिए वालदैन के लिए औलाद को भी मोहब्बत का जज्बा रखना चाहिए और उनकी खिदमत और एहतराम करना चाहिए। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है और वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। ये बेटा आपने जब लिखना होगा तो वो मार्कर के साथ आप इरशाद बारी ताला कुरान की कोई भी आयत है हदीस है उसको आपने लिखना है। हकूक दो तरह के हैं, हकूकुल्ला यानी अल्लाह ताला के हकूक और हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक। अल्लाह ताला के हकूक में ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसकी जो है अतात करते हैं, उसकी बंदगी का मुजाहरा करते हुए हम वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने जिन कामों का हमें हुक्म दिया है। हकूकुल इबाद में बंदों के हकूक ये हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमसाये के हकूक मुकरर किए हैं, औलाद के, वालदैन के, वो सारे हम पूरे करें तो वो हकूकुल इबाद में आता है। जहां तक हकूकुल्ला का ताल्लुक है वो अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद इस वक्त तक माफ नहीं हो सकते जब तक बंदे ये हकूक माफ ना करें। यानी कि अगर हमने किसी बंदे के साथ, किसी इंसान के साथ ज्यादती किया है तो वो इंसान ही माफ करेगा तो अल्लाह ताला हमें माफ करेगा। हकूकुल इबाद में से वालदैन का हक सबसे मुकद्दम है, यानी सबसे लाजमी जरूरी जो हक है वो वालदैन का है। इसका सबब ये है कि वालदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के जिम्मेदार होते हैं। वालदैन के बगैर बच्चे की सही परवरिश और तरबियत नहीं हो सकती। ये एक आम मुशाहदा है कि तमाम जानदारों में इंसान के बच्चे की परवरिश और देखभाल एक मुश्किल काम है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो महज गोश्त का एक लोथड़ा होता है, यानी जमा हुआ खून लोथड़ा कहते हैं, और वो परवान चढ़ने के लिए कई बरस तक वालदैन की परवरिश और देखभाल का मोहताज होता है। यानी महज, इसकी जगह आप सिर्फ भी लिख सकते हैं,
देखभाल का मोहताज होता है, इसीलिए वालदैन का मकाम होता है और उनका दर्जा खुदा के बाद दूसरा है। कुरान मजीद में वालदैन की अतात, खिदमत और हुस्न सलूक पर बहुत जोर दिया गया है। चुनांचे इरशाद होता है, और तेरे रब का फैसला है कि उसके सिवा किसी की इबादत मत करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक ना कहो। यानी उफ का मतलब होता है बेजारी जाहिर करना, यानी आप उनके साथ बात करते हुए बेजारी का इजहार ना करें, और मत झिड़को यानी उन्हें डांट डपट ना करो, और उनके साथ इज्जत से बातचीत करो। फिर इरशाद होता है, और हमने इंसानों को वालदैन के साथ नेक सलूक की हिदायत की है। एक और मौके पर फरमाया, और मेरा भी शुक्र करता रहे और माँ बाप का भी। ये बेटा तमाम जो फरमान है, इनमें से जरूरी नहीं कि आप सारे लिखो, कोई एक आध भी लिख दो, कोई जो आसानी से याद होता है, कोई एक आध रह भी जाता है तो वो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर सारे याद होते हैं तो आप सारे उसमें लिख सकते हैं। मुख्तलिफ मजाहिब में, यानी मुख्तलिफ मजहब में वालदैन की अतात और फरमाबरदारी और उनकी खिदमत का हुक्म दिया गया है। हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, उसकी तालीम भी यही है, वालदैन की खिदमत करो, उनके कदमों में जन्नत है। वालदैन बच्चे की परवरिश का इंतहाई दुश्वार फरीजा अंजाम देते हैं। दुश्वार यानी मुश्किल। इसके लिए तरह तरह की तकलीफ उठाते हैं, खुद तकलीफ में रहते हैं, लेकिन बच्चे को हर मुमकिन राहत यानी आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। औलाद की हर खुशी के लिए बेशुमार कुर्बानियां देते हैं। इसकी तरक्की के ख्वाब आंखों में सजाए दिन रात मेहनत करते हैं। बच्चे की तालीम का इंतजाम किया जाता है, इसे जेवरे तालीम से रास्ता करते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीकों से बसर करने के काबिल हो सके, अपने पांव पर खड़ा होने की सलाहियत हासिल कर सके। इसी बिना पर दुनिया के तमाम मजाहब में वालदैन के एहतराम, उनकी अतात की तलकीन मिलती है। ये बेटा आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, पेज है। इसमें आपने इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से याद करना, और अब मैंने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों से कम अज कम रोज का रोज कोई एक आध पैराग्राफ या कोई एक आध हदीस जो है, आयत है, वो मैं सुनूं भी। इसलिए रोजाना के रोजाना ही आप इन चीजों को याद करें, ठीक है। ये बेटा कुछ बच्चियों ने हैंड रेज किए हुए, तो समरीन महबूब जी, बेटा क्या बात है? समरीन महबूब जी, बेटा जैनब आसिफ, आपने बेटा हैंड रेज किया हुआ है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। टीचर ये मज़मून याद करके लिखने हैं? नहीं बेटा, आपने होमवर्क तो इस दफा नहीं ना आपको लिखने के लिए दिया गया, ठीक है, तो इसलिए आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके। और टीचर ये जो आप खत है लास्ट वाला, जिसमें आपने अपने घर के घर में गैस वाला जो खत है, ये बेटा वो ना आपके उस पेज पे था, रिपीट करवा दो, वो प्रिंट हो गया है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वो आगे बाद में हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी वो नहीं है, ठीक है। वो गलती से प्रिंट हो गया। जैसे मजामीन में भी आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ तंदुरुस्ती हजार नेमत का आ गया है, क्योंकि वो मजामीन इसी तरह से वो हुए हुए है ना कंपोज, तो वो उस वजह से आपके पास चला गया है, और इसका कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। बाद में मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देती हूँ, और फिर जो भी बात होगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे मजमून कर लेते हैं इसका। जी ये है बेटा, मजहब इस्लाम इस औलाद को बदकिस्मत, शकीउल कलब, यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो हमारा इस्लाम मजहब है वो औलाद को बदकिस्मत, शकीउल कलब यानी के जालिम, ठीक है, और गुमराह कुन करार देता है, यानी रास्ते से भटका हुआ, जो अपने वालदैन की कदरों मंजिलत नहीं करते, यानी उनकी कदर नहीं करते, उनको बर्तरी नहीं देते। औलाद के लिए यहाँ तक हुक्म है कि उनकी आवाज अपने वालदैन के बराबर ना हो, यानी हमारे वालदैन जिस आवाज में हमसे बात करते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन हमारी आवाज उनसे नीची होनी चाहिए, यानी अदब के साथ हम उनसे बात करें बल्कि उनकी आवाज से नीची हो। वालदैन की दुआएं औलाद के लिए दीनों दुनिया में तोशे आखरत यानी आखरत का एक बेहतरीन फल साबित होती हैं। खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जो अपने वालदैन की खिदमत करते हैं,
और उनसे दुआएं लेते हैं, ये दुआएं आखिर तक उनकी राहत। बेटा सानिया कलीम और ज़ैनब आसिफ, आप बेटा अपनी वीडियो नहीं ऑन करेंगे, कैमरा ऑफ रखें। ये दुआएं आखिर तक उनकी राहत का मूजब बनती हैं, बायस बनती हैं। ये पता उस वक्त लगता है जब, बेटा आप लोग अपने कैमरे ऑफ करें, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद ये है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि मौजब बनती है, ये पता उस वक्त लगता है जब औलाद खुद साहिब औलाद होती है कि बच्चे किस तरह हिल पलते हैं और कितनी मेहनत और मोहब्बत से उन्हें परवान चढ़ाया जाता है। सारी उम्र की कमाई उन पर लग जाती है, मेहनत करके वालदैन के बाल सफेद हो जाते हैं, अज़ा कमजोर हो जाते हैं। उस वक्त औलाद के सहारे की जरूरत ये बेटा सानिया कलीम ये बच्ची है। आप बेटा अपनी जो है बार बार वीडियो जो है वो ऑन कर रहे हैं। ये जो भी बच्चियां जिन्होंने अपनी वीडियोस ऑन की हुई हैं, कैमरे ऑन किए हैं, उनको मैं क्लास से बाहर निकाल रही हूँ। आप लोग अपने कैमरे ऑफ रखें। उसके बाद क्या है कि सहारे की जरूरत थी, जिस तरह बच्चा चल नहीं सकता तो उसे सहारे की जरूरत थी, इसी तरह बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद के सहारे की जरूरत होती है। वालदैन की दुआएं अल्लाह के हजूर मुस्तजाब होती हैं और उनकी नाराजी गज़बे इलाही बन जाती है। हदीस की रोशनी में वालदैन, हदीस की रोशनी में वालदैन जो हैं उनके बारे में क्या है कि अतात का वाज़े हुक्म मिलता है, इरशाद होता है कि बड़े बड़े गुनाह ये हैं कि खुदा का शरीक करना, वालदैन से बदसलूकी करना यानी उनके साथ अच्छा सलूक ना करना, नाहक कत्ल करना, झूठी कसम खाना। ये बड़े गुनाहों में इन तीन गुनाहों को शुमार किया जाता है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जलील हो जाएगा, फिर जलील हो जाएगा, फिर जलील हो जाए जिसने वालदैन को दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में ना गया। एक और हदीस में इरशाद होता है बाप की नाराजी खुदा की नाराजी और बाप की खुशनुदी खुदा की खुशनुदी है। इस्लाम में ऐसे बहुत से वाक्यात मिलते हैं जिनको पढ़कर वाज़े तौर पर वालदैन के हकूक का पता चल्ता है। एक शख्स एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पूछा या रसूलल्लाह मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फिर आपने तीन मर्तबा फरमाया तेरी माँ और चौथी मर्तबा फरमाया तुम्हारा बाप। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि कौन सा अमल खुदा को सबसे ज्यादा महबूब है? आपने फरमाया वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन सा काम खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है? तो आपने फरमाया माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक। एक मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो और उसकी रोजी में कुशादगी यानी उसकी रोजी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। एक और हदीस मुबारक है सब गुनाहों की सजा अल्लाह ताला चाहे तो क्यामत के लिए उठाए रखता है मगर माँ बाप की नाफरमानी की सजा जीते जी पहुंचाता है। यानी इंसान को माँ बाप की नाफरमानी की सजा जो है वो दुनिया में ही मिल जाती है। माँ वो हस्ती है यानी वो जात है जिसने 9 माह तक अपना खून जिगर पिला पिला कर अपनी कोख में यानी अपने जिस्म के एक हिस्से के तौर पर उसे परवान चढ़ाया, उसकी मुश्किलात और सख्ती और वजन को पेट में उठाए रखा, उसको जनने की नाकाबले बर्दाश्त तकलीफ को सहकर अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाकर परवरिश की, उसकी परवरिश में अपना हर आराम तक और हर ख्वाहिश निसार कर दी यानी कुर्बान कर दी। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। यानी इसमें जो था एक माँ से मोहब्बत का इजहार करते हुए जो शायर है ताबिश, उसने इस चीज का इजहार किया है। हदीस मुबारक में है कि एक सहाबी ने हजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया या रसूलल्लाह एक दफा मैं ऐसे गर्म पत्थरों पर अगर गोश्त उन पर डाला जाता कबाब हो जाता, 6 मील तक अपनी माँ को अपनी गोद में गर्दन पर सवार करके ले गया हूं, क्या मैं अब उसके हक से बरी हो गया यानी उसके हकूक मेरे पूरे हो गए? रसूलल्लाह ने फरमाया तेरे पैदा होने में जिन तकलीफ का सामना तुम्हारी वालदा ने किया
शायद उनमें से किसी एक तकलीफ का बदला हो सके। यानी कि हम वालदैन के जो हकूक हैं वो सारी जिंदगी भी उनकी खिदमत करके पूरे नहीं कर सकते। माँ तेरे बाद कौन लबों से अपने वक्ते रुखसत मेरे माथे पर दुआ लिखेगा। ये शेर है, ये आपने लिखना होगा। वालदैन के हकूक में एक हक ये भी है कि उनके रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक किया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि वालदैन की वफात के बाद उनके साथ क्या नेकी कर सकता हूँ। आपने फरमाया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, उनकी बख्शिश की दुआ मांगो, उनके किए गए वादे को पूरा करो और उनके रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो और उनके दोस्तों की इज्जत करो। इरशाद नबवी है, खाला माँ की मानिंद है और चचा बाप की मानिंद है। ये दुआ हमारी नमाज का मुस्तकिल हिस्सा है। रब्बना गफिरली वाली वाली दैया। उसके बाद क्या है कि एक ऐ हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे वालदैन को भी। बेटा अगर अरबी आपसे लिखी जाए आसानी से तो आप लिखें, नहीं तो खाली तर्जमा ही मार्कर के साथ आप लिख दें, और अगर अरबी लिखें तो उसके ऊपर जेर जबर लगाने की जरूरत नहीं है। नबी के फरमान के मुताबिक वालदैन से बदसलूकी गुनाह कबीरा है, यानी बहुत बड़े गुनाहों में शुमार होता है। एक हदीस नबी है, तुम्हारे खुदा ने माँ की नाफरमानी तुम पर हराम कर दी है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, एक शख्स खिदमत अकदस में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि या रसूलल्लाह, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया, तेरी माँ। तीन दफा आपने यही जवाब दिया। बेटा वाक्या दो दफा इसमें आ गया है कंपोजिंग में, तो आपने एक ही दफा लिख देना है। बड़े बड़े गुनाह ये हैं कि खुदा का शरीक बनाना और वालदैन से बदसलूकी करना और किसी इंसान को कत्ल करना है। इसमें है कि मेरे हाथ में एक फूल ताजा तरीन है, मेरी माँ तो इस फूल से भी ज्यादा हसीन है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिस मुसलमान के माँ बाप मुसलमान हैं और वो अजर व सवाब की नियत से उनकी खिदमत में हाजिर होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और अगर वालदैन में से एक है तो जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है, और अगर दोनों में से किसी एक को खफा किया और गुस्सा दिलाया तो जब तक वो राजी ना हो जाए, खुश ना हो जाए, अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता। हाजरीन में से एक आदमी ने कहा, अगरचा माँ बाप उस पर जुल्म करें, तो जवाब में कहा गया, अगरचा दोनों उस पर जुल्म करें, यानी कि चाहे वो उस पर जुल्म ही क्यों ना करते हो। इब्ने उमर से सुना कि वो फरमाते थे, माँ बाप को रुलाना भी नाफरमानी से ही है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स अपनी हरकत आदात अफालो अकवाल से, यानी अपने कामों से और अपनी बातों से माँ बाप को रुलाता है, वो आग का मतलब है नाफरमान और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, जिसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। माँ बाप के आंसू अगर वो माफ ना करें तो हरगिज रायगा नहीं जाते, यानी जाया नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन दुआएं ऐसी हैं इनकी कबूलियत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और उसमें कोई शक नहीं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की और औलाद के लिए वालदैन की दुआ। वालदैन अगर मुशरिक हों तो भी उनसे हुस्ने सलूक रवा रखा जाए। अगर हज़रत साद बिन अभी वकास का वाक्य मलूज़े खातिर रखें, यानी उसको सामने रखें कि उनकी काफिरा माँ ने उन्हें तरके इस्लाम करने का हुक्म दिया और इस हुक्म की अदूली की सजा में भूखे और प्यासे रहकर जान देने की धमकी दी, तो आपने फरमाया, अगर आपकी हजार जाने भी हो, मैं और वो सब एक एक करके निकल जाए, यानी होती तो ये यहाँ पे बेटा जाने भी होती कर लें और वो सब एक एक करके निकल जाती तब भी अपने मजहब से अलहदगी इख्तियार ना करता, यानी काफरा माँ के लिए इस चीज का हुक्म दिया गया। आयते कुरानी है, और वो तेरे दर पे हूं तो मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक कर ले जिसका मुझे इल्म नहीं। कुरान का कहा, ना मान हाँ दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना। ठीक है, उन्होंने ये आयते कुरानी उसके बाद नाजिल हुई थी, और कि वो तेरे दर पर हो कि मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक कर ले जिसका मुझे इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मान। ये यानी ये उनके वाक्य के बाद, हजरत साद बिन अभी वकास के बाद आयत नाजिल हुई। माँ बाप की अतात और फरमा बरदारी में ये बात मलहूज रखनी चाहिए कि जब वो बूढ़े हों तो उनकी माली अयानत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जामे अल्फाज में फरमाया, फायदे की जो चीज तुम खर्च करो वो माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए, यानी इन लोगों पर खर्च करने का हुक्म दिया गया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का अहबाब में, यानी जो उनके साथियों का एक हल्का था, महफिल थी, ये लफ्ज दोहराए तीन बार के नाक उसकी कट गई। साहब ने कहा, ये कमबख्त कौन है, यानी बदनसीब कौन है?
तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई, यानी जिसकी इज्जत जाती रही। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब, तो उन्होंने कहा कि किसकी इज्जत अल्लाह ताला के हाँ कट गई। इरशाद हुआ कि वो फर्जंदे ना खलफ, यानी ऐसा नाफरमान बेटा, घर जिसके जन्नत आई और आकर पलट गई, यानी उसको जन्नत पाने का एक मौका मिला अपने वालदैन की खिदमत के जरिए, लेकिन उसने उसको हासिल ना किया। माँ बाप का जिसे ना बुढ़ापे में हो ख्याल, इस ना सईद बेटे की किस्मत उलट गई, यानी उस बदनसीब बेटे की किस्मत उलट गई यानी फिर गई। हजरत इब्ने उमर की बीवी जिससे वो राजी थे, मगर उनके बाप बुजुर्गवार यानी हजरत उमर को अपनी बहू पसंद ना थी, इस इख्तलाफ ने खानगी झगड़े, यानी हजरत उमर का जो बेटा था वो अपनी बीवी से राजी था लेकिन जो बाप था वो अपनी बहू को पसंद नहीं करते, इस इख्तलाफ ने खानगी झगड़े की सूरत अख्तियार कर ली। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर को मशवरा दिया कि अपने बाप की अतात करें, यानी अपने वालदैन की नाफरमानी का हुक्म कहीं भी दिया नहीं गया, चाहे कैसी ही सूरत हाल हो। औलाद का फर्ज है कि वो अपने वालदैन के रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों और सहेलियों का लिहाज रखें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि वालदैन की वफात के बाद मैं उनके साथ क्या नेकी कर सकता हूँ, आपने फरमाया उनकी बख्शिश की दुआ मांगो, उनके किए हुए वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो और उनके दोस्तों और सहेलियों की इज्जत करो। वालदैन की जिंदगी में औलाद को उनके लिए दुआए खैर करनी चाहिए, यानी भलाई की दुआ करनी चाहिए, और वफात के बाद उनकी मगफरत यानी उनकी बख्शिश की दुआ। चुनाचे इरशाद होता है, ऐ मेरे परवरदिगार उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मेरे मुझे बचपन में पाला था। बहुत से शोरा या ये शायर की जमा है। हजरात ने माँ बाप की अतात को मौजू बनाया, यानी अपने शायरी में उसको उनवान बनाया। इन हजरात के शार पढ़कर माँ बाप की अहमियत का अंदाजा होता है। सबसे बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत, यानी दुनिया में सबसे बड़ी भलाई क्या है, माँ बाप की खिदमत। सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की है खिदमत।